दो इंजीनियरों को गोली से छाती छलनी कर दिया था, उसकी हत्या हो गई थी। तो आपने कहा जो 2 करोड़ रुपया 52 बीघे का पोखरा मेरे गांव में एक पोखरा है जिसके लिए सरकार दे दिया है, लेकिन सर सरकार की चिंता तो कागजों पे दिखाई देती है। हम बिहार के बाहर रह के आज शर्म आती है अपने आप को बिहारी कहलवाने में। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग डे बाई डे। दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट प्लीज मेक अस फील प्राउड। ये है माननीय विधायक श्री मिश्री लाल जी, मैं तुमोल पंचायत से आया हूँ और 3 सवाल आपसे मुझे पूछना है प्लीज। सर पहला तो ये, चूंकि मैं शिक्षा को लेके बात करता हूँ। तुमोल पंचायत से आए हैं, आपका परिचय क्या है सो नंबर? सर मेरा नाम प्रकाश है, मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ, वैसे मेरा 2 YouTube चैनल भी है और मैं पार्ट टाइम में जाकर शिक्षा को प्रमोट करता हूँ। हमारी मुहिम है शिक्षित भारत श्रेष्ठ भारत के जरिए पूरे हिंदुस्तान में एक शिक्षा की अलग जगाने की। तो सर सवाल ये है, चूंकि आप विधायक हैं हमारे क्षेत्र के, तो लाजमी है कि हम आपसे ही पूछेंगे और माफी चाहूंगा गुस्ताखी के लिए जो अभी मीटिंग में मैंने जाके आपसे पूछा था। तो जो शिक्षा है वो सब जानते हैं, शिक्षक मतलब स्कूल में जैसे कि अभी क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है तो टीचर बहाना बना के बैठे हुए हैं कि भाई अब तो क्वारंटाइन सेंटर बना दिया तो मुझे तुम्हें पढ़ा के कोई फायदा नहीं बच्चों को आने से, जबकि वो काम एक कमरे में भी हो सकता है, उसको रख दिया जाए, कमरे बहुत है। तो सर शिक्षा व्यवस्था हमारे पंचायत की क्या, पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन चूंकि हम आपसे अपने पंचायत की इस वक्त बात कर रहे हैं और घनश्यामपुर की खास तौर से, उस पर ध्यान दीजिए। दूसरा सर आंगनबाड़ी जो है आपके पास, चूंकि समय कम होगा, वो सिर्फ कागजों पे चल रहा है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है बच्चों के साथ, सब इधर उधर होके सीमित हो जाता है। तीसरी बात सर, मेरे गाँव में स्कूल सॉरी जो एक पोखरा है 52 बीघे का, उसके लिए लेटर भी दिखा दीजिए सर को, तकरीबन 2 करोड़ रुपया आवंटित हो गया मुख्यमंत्री जी के द्वारा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। चौथी बात सर, दरभंगा हम लोग जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है सर, मर जाते हैं, मेरा बुलेट 4 बार गिर चुका है रास्ते में सर, ये भी एक समस्या है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये जो कौन सर सर ये वाला जो रसियारी से पुनहद होते हुए ऐसे अली नगर होते हुए जो आशापुर को जो कनेक्ट होता है नंदापट पटेल, मैं रोकूं आपको? जी हाँ बोलिए। आप जो रसियारी से पुनहद से फिर अली नगर होके जो जाते हैं जी, तो दुल्हीन के तरह जो सजी हुई सड़क है जी, कौन सड़क? रसियारी से पुनहद होके कुर्थो पश्चिमी होके शिवनगर घाट होके दरभंगा, तो दुल्हीन के तरह चमचम कर रही है सड़क, उधर से क्यों नहीं जाते हैं जो उधर से जा रहे हैं? नंबर एक जी। नंबर दो, आपने सड़क की बात किया जी, आपने सड़क की बात किया, आपको मालूम होगा जिस रसियारी और अली नगर आशापुर की सड़क की चर्चा आपने की जी, वो आपको मतलब उधर वाली जो सड़क है वहाँ 2 इंजीनियरों को गोली से छाती छलनी कर दिया था, उसकी हत्या हो गई थी, जिस कारण से सड़क बनना बंद हो गया और बंद होने के बाद कोई टेंडर नहीं ले रहा था डर से कोई ठेकेदार, अब कोई हिम्मत किया है जो हम ले, हम पूरा पूरा जी उस सड़क के निर्माण में, उस सड़क जल्द बने, हर एक बार सदन में बात को उठा रहे हैं और शायद पुला बनना शुरू हो गया है। हमको लगता है जो सड़कें मतलब जिस हो के जो अच्छी सड़क है उधर से आप नहीं जाते हैं, जर्जर सड़क होके जाते हैं, आप जिधर से भी जाएंगे अली नगर में अच्छी सड़क आपको मिलेगी, वह जल्द बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं नेताजी की बहुत जल्द ऐसा आए और हम आपके शुक्रगुजार होंगे हम तमाम जनता। सर दूसरी बात, आंगनबाड़ी जो मैं देखता हूँ अपने गाँव में या पूरे पंचायत में, घनश्यामपुर में देखता हूँ, स्कूल की हालत देखता हूँ, सर आप विधायक है कुछ तो करिए ना इसके लिए। जी मैं बता रहा हूँ आपको, आपने कहा जो 2 करोड़ रुपया 52 बीघे का पोखरा मेरे गांव में एक पोखरा है जिसके लिए सरकार दे दिया है, अगर उसकी कोई चिट्ठी हो जो 2 करोड़ रुपया दे दिया और उस पोखर का निर्माण या हरियाली योजना के तहत या कौन योजना के तहत काम किसको मिला है वो हमको चिट्ठी दे दीजिए, मैं कोशिश मतलब मैं समझ गया, वो चिट्ठी हमको दे दीजिए, मैं देखता हूँ जो वो पैसा कहाँ पेंडिंग है, कौन रखे हुआ है, मैं कोशिश करूँगा। हम मुझे ये बात कहने में अपने आप को काफ़ी गर्व है, कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया जो मिश्री लाल को MLA रहते 2 करोड़ रुपया पचा लेगा, काम नहीं करेगा उसको फांसी चढ़वा देंगे। जी जी, शिक्षा और आंगनबाड़ी सर जी जी, हम बहुत परेशान हैं सर। शिक्षा जी जी, शिक्षा के बारे में सरकार काफी चिंतित है जी, अभी नियुक्ति बहुत लोगों का ये डिमांड है जो शिक्षक का अभाव है जी, सरकार युद्ध स्तर पर नियुक्ति की ओर उनका ध्यान है और कोशिश कर रही है, सब जगह से रिपोर्ट मांगा है जो कौन स्कूल में कितने शिक्षकों की कमी है, वो काम सरकार चला रही है।
और रह गया आंगनवाड़ी की बात जी। तो आंगनवाड़ी में जहां स्पेसिफिक अगर आपको कहीं लगता है जो उस सेंटर ठीक से नहीं चल रहा है, तो हम सरकार की ओर से CDPO है, DPO है, मतलब प्रधान सचिव है, इन सारे जगह दीजिए, जो दोषी पाया जाएगा, जो सेंटर को नहीं चलाता होगा उस पर कार्रवाई होगी। जी जी जी, लेकिन सर सरकार की चिंता तो कागजों पे दिखाई देती है। हम बिहार के बाहर रह के आज शर्म आती है अपने आप को बिहारी कहलवाने में, हमको शर्म आती है। यही जगह जो चाणक्य का था, आचार्य चाणक्य का, हम बाहर आप भी रह के आए होंगे, जाहिर तौर पे आप दिल्ली जाते होंगे, हमको लोग गाली देते हैं सर बाहर, तो इसके लिए कागजों पे सिर्फ आपकी सरकार चिंता करेगी। आपकी सरकार में कोई दम नहीं है। नहीं नहीं, अभी सर... देश के किसी भी कोने में जाइएगा और बिहारी कहिएगा तो आपको इज्जत से देखेगा। नहीं सर, सर सर ये कहने की बात है सर, ग्राउंड लेवल पे चलिए मेरे साथ। ये सर ये उनके लिए है जो IAS है, आपके जैसे लोग जाएंगे तो इज्जत मिलेगा, लेकिन हमारे मजदूर भाइयों का क्या, जो दिल्ली मुंबई जिनको मार मार के भगाया जाता है सर, क्यों? क्योंकि हमारी तंत्र सिर्फ कागजों पर सीमित हो गई है सर, उसके बारे में कुछ कहिए ना सर। कागजों पे हम नंबर वन है जी। आपको मैंने बताया जी, जो आपको लगता हो जो जहां कागज पर चल रहा है जी, कोई स्पेसिफिक जगह का नाम देके आप वहां आवेदन दीजिए, उसकी जांच होगी, आज जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। सर हम समस्या रिटर्न में लेके आपके कार्यालय पे पहुंचेंगे। जी 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 जी, एक मिनट जी जी सर, एक मिनट दिया सर। मैं ब्रह्मपुरा मसवासी का पैक्स अध्यक्ष हूँ। आप मेरे पंचायत में मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पहदी हाई स्कूल से देवरी गांव 2018 से बनना शुरू हुआ, अभी तक वो नहीं बना, आधा काम हुआ है। आप लिख के एको दे दीजिए जी, इसका एको लिख के दे दीजिए, उसको दिखवा लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत दिखवा लेंगे जी सर। और आपके सामने एग्जीक्यूटिव को बुलवा के, और एग्जीक्यूटिव आपके साथ जाएगा, देखेगा जो क्यों नहीं वो काम हो रहा जी। ठीक है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका क्षेत्र बहुत अच्छा हो, और आपका क्षेत्र अच्छा होगा तो फिर सर आपका आपकी वाहवाही होगी जी। और वही नहीं जी, देखिए दो सड़के तीन सड़के अली नगर विधानसभा में है जी जी, एक उजान से ये वाला भी रसियारी जी, ये वाला भी बड़ा लोग हल्ला करता था जी 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 जी। और अब जहां पुल बनना है जी, वहीं पर डायवर्सन उसका खराब है जी, जी मैंने जी, देखा है जी। और सारे जगह सड़क अच्छी बन रही है जी, एक सड़क है ये शिवनगर घाट हो गए जी, और एक है अली नगर का जो हॉल्ट है बीचों बीच जी जी, जिस सड़क के बारे में आपने बताया जी जी जी, तो वो तो मतलब जो गोली बारूद का जो स्थिति हो गया था उसके चलते है लोग डर रहे थे, अब लोग ले रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारे विधानसभा में जितनी भी मुख्य सड़कें हैं जी, वो बढ़िया रहे और बढ़िया से वो ठीक ठाक रहे। सभा में जी जी 12 का अनुशंसा किया है जी, और एक गांव से दूसरे गांव जोड़ने वाली सड़क का सर्वे चल रहा है, लिंक सड़क का सर्वे चल रहा है। हमें लगता है जो सरकार पूरा पूरा कृत संकल्पित है, जो जितने भी सड़कें हैं जी, वो कोई अधूरा नहीं रहेगा। क्या है जब आप यहाँ से हटिएगा, ठेकेदार छोड़ के भाग जाता है जी, उसको काले सूची में डाले जाते हैं जी, ठेकेदार मतलब फिर बहाल होते हैं जी। अब क्यों भागते हैं वो एक भीतर की बात है, इसीलिए काम सब अधूरा पड़ा हुआ है वो सर पूछें। बहुत 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 शुक्रिया सर, उम्मीद करते हैं। लेकिन सर शिक्षा आंगनवाड़ी और जरा सड़कों पे आप ध्यान दीजिए, और फर्स्ट डिवीजन हो रहे हैं जी जी जी, शिक्षा का स्तर इतना ऊंचा है जी, जो लड़कियां रिजल्ट निकलती है किसी उच्च विद्यालय का, इंटर का, जो लड़कियां 80% 70% फर्स्ट डिवीजन मार्क ला रहे। लेकिन सर मैं यहाँ माफी चाहूंगा, शिक्षा तो बहुत ऊंचा सर। सर ये कागजों पे है सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिक्रीजिंग सर, डे बाय डे इट इज सर, प्लीज लिसन सर 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 सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ड्रास्टिकली डिक्रीजिंग डे बाय डे, दिस इज व्हाई आई टोल्ड यू दैट प्लीज मेक अस फील प्राउड जी जी। मुताबिक अगर शिक्षा का स्तर गिरा होता जी, तो देश दुनिया के पैमाने पर हमारा रिजल्ट जो सबसे बढ़िया हो रहा है, हमारे लोग IAS IPS दरोगा BDO सबसे अधिक बिहार का लोग जवाब है, सुनिए स्तर तो मेरा गिरा रहा सर। 10 लाख में एक IAS बनता है, उसी से बिहार नंबर वन हो जाएगा सर। जो IAS बनता है वो बाहर चला जाता है सर, वापस घूम के अपने गांव भी नहीं आता है। स्तर में काफी गिरावट सर, नहीं है, सुधार हो रहा है। आप ही बताइए जी, जमीनी सर है जी जी, प्रखंड में प्रखंड कॉलेज कै गो है। देखिए एक चीज, आपका क्या नाम है, तो टीचर नहीं आते, आपका क्या नाम है, स्कूल? एक बात बता रहे हैं संजय जी, देखिए संजय जी एक चीज बोल रहा था। अरे सुनो भाई, आप जो बताया क्या बताया,
संजय झा। नहीं नहीं आप बताए क्या क्या क्वेश्चन है सर? आपके प्रखंड में घनश्यामपुर प्रखंड है उसके अंतर्गत एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, इस पर सर आपका क्या सोच है? देखिए घनश्यामपुर में डिग्री कॉलेज नहीं है, आपको तब सरकार की नीति नहीं मालूम है। सरकार ने निर्णय लिया है जो प्रत्येक अनुमंडल में हम डिग्री कॉलेज बनाएंगे। पत्रकार भाइयों को भी मालूम होगा या नहीं, आप पता कर लीजिए जो घनश्यामपुर जिस अनुमंडल में पड़ता है उसमें डिग्री कॉलेज नहीं है, तो हम चलते सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे जो डिग्री कॉलेज इसमें है कि नहीं है। कारण जो हमारा जो विधानसभा है वो 3 प्रखंड है। तो ये हैं माननीय विधायक श्री मिश्री लाल जी हमारे क्षेत्र से, और इनसे हमने बात करी शिक्षा के बारे में, सड़क के बारे में, और जो 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 भूमिगत चीज़ें हैं उसके बारे में। नेता जी आपसे फिर से विनम्र गुजारिश है, विनती है कि प्लीज़ अपने क्षेत्र का कल्याण कर दीजिए। हम ताउम्र आपके आभारी रहेंगे, ताउम्र आपके आभारी रहेंगे। जी हाँ जी हाँ जी 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 आपको आपके वोट के टाइम में मैं यहाँ नहीं था, दिल्ली में था। कुमाऊँ में भी सड़कें बन रही है भाई। जी हाँ, तो अच्छी बात है। उस पर बहुत ही से वहाँ तक जी 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 उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ शिक्षा पर एक साल जी 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 हमको एक साल बने हुआ हुआ है जी जी। कुमाऊँ जाते थे जी, हमारा प्रधान महासचिव के थे प्रखंड के, रघुवंश जी। जी रघुवंश जी कहते थे जो मिश्री लाल जी हम इस धारा को वोट देते हैं उसका सजा मिलता है, हमको आते ही वो सजा समाप्त हो गया, उनकी भी सरके पन्ना शुरू हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ कि विकास होगा और